तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करना है वीवीएमआई को प्रोग्रामिंग के सेकेंड पार्ट को, जिसमें हम बात करेंगे वेरिएबल के सेकेंड पार्ट की। हम बात करेंगे वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट टाइप वेरिएबल्स और एरे वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स में क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या चीजें नहीं हो सकती है, इन चीजों पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी इन्होंने नितिन जी ने सवाल पूछा कि वो एक रेंज, जैसे मान लीजिए डी डी टू से लेके D8 तक का डेटा सम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात जान लीजिए कि अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया कि डिम आर एज ए उन्होंने बना दिया इंटीजर, राइट, तो इसके ऊपर हम किसी एक वैल्यू को ही स्टोर कर सकते हैं या किसी एक रेंज को। याद रखिएगा, रेंज D2, हम D2 से लेके D13 तक की वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते, समझ गए? ये गलत होगा क्योंकि एक वेरिएबल किसी एक वैल्यू को स्टोर करेगा, राइट सर? तो हाँ, D2 की वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। और दूसरी चीज है कि वैल्यू रिप्लेस भी हो जाती है। जैसे आपने स्टोर कर दिया कि मान लीजिए कि R = आपने ले लिया 50, फिर अगेन R = अगर आप 60 लेते हैं तो फाइनली R की वैल्यू इस लाइन में हो जाएगी, इस लाइन के बाद हो जाएगी 60, मतलब कि 50 को रिप्लेस करके वो 60 डाल देगा। क्लियर है? एक चीज पहले क्लियर कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज उन्होंने पूछा कि वो सम करना था, तो बेसिकली आप इसके ऊपर फंक्शन लगा सकते हैं। जैसे आपने सम लगाया और ब्रैकेट ओपन किया, नीचे एक्सप्रेशन नहीं आया, मतलब कि सम वीवीए को सपोर्ट नहीं करता है। नितिन जी ध्यान से सुनिए कि जी सर, कोई भी फॉर्मूला, एक्सेल का फॉर्मूला अगर वीवीए में लगाते हैं तो पहले चेक कर लीजिए कि क्या फॉर्मूला वीवीए को सपोर्ट करता है। जैसे आप लेन फॉर्मूला लगा रहे हैं तो नीचे एक्सप्रेशन आ गया, मतलब कि ये वीवीए को सपोर्ट करता है, तो आप लगा दीजिए लेरिक, लेकिन सब नहीं करता है। ऐसा बात नहीं कि हम सम नहीं लगा सकते, हम सम लगा सकते हैं, लेकिन इसको इसको लाइब्रेरी से हमें कॉल करना पड़ेगा। कैसे? एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन, समझ गए? अब यहाँ पे ये सारे फॉर्मूला एक्सेल के फॉर्मूले हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं वीवीए में। सम, अब यहाँ पे, अब जैसे कि ऐसा नहीं क्या, कोई यहाँ पे एक्सेल में हम लगाते हैं फॉर्मूला ना इक्वल सम, हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो ऐसे फॉर्मूला या नहीं, ऐसे ऐसे रेंज आप इस तरह से रेंज नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे ये रेंज गलत है, इसको रेंज फॉर्मेट में आपको देना पड़ेगा। चाहे कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करो, उसकी इनपुट जो है वीवीए के फॉर्मेट में आपको देनी पड़ेगी। अब आपका सम, जो भी सम हुआ वो आर पे स्टोर हो गया। अब चेक करने के लिए एमएस बॉक्स में देख लीजिए आर, आपको पता चल जाएगा। मतलब सर, जैसे सम या कुछ भी, मतलब मल्टीप्लाई है, उसके बाद रेंज लिख के तब देना है। हाँ, वीवीएफ वीवीए के टाइप से रेंज दे रहा है, एक्सेल टाइप से डिफरेंस सीट का है तो यहाँ पे सीट का नेम दे रहा होगा, फिर सीट 5 डॉट रेंज इस तरह से दे रहा है। ठीक है, जी सर, समझ में आ गया आप लोग को? ओके, तो चलिए, तो हमने कल की क्लास में आपके साथ डेटा टाइप बताया था। डेटा टाइप जिसमें हमने जबकि डेटा को स्टोर किया, जैसे कि बाइट, इंटीजर, लॉन्ग, डबल स्ट्रिंग, वेरिएंट, डेट, ये वो हमने यूज किया था जो कि डेटा को कैरी करता है, राइट सर? हाँ जी सर। सर इस पे बस एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मैं रीडिंग कर रहा था तो उसमें ये कल आपने जैसे उस बताया था डिम Q1, Q2 एज इंटीजर हम डिफाइन कर सकते हैं, बट सर बुक में लिखा है कि कॉमा लगा के डिफाइन मत कीजिए क्योंकि जो जो कॉमा के बाद होता है
वो एज एन इंटीजर या कोई भी जो हम डिफाइन करते हैं वो कंसिडर नहीं करता, तो सबको वन बाय वन कीजिए। अगर आप एक बार उसमें चेक करोगे तो उसमें यही लिखा है, या हो सकता है वो कोई ओल्डर वर्जन हो इस वजह से भी है, या न्यूअर वर्जन में हम कॉमा करके डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि बताया गया है इसमें कि सेम कास्ट, हमने कहा था ना सेम टाइम, जैसे आपको इंटीजर करना है तो आप कॉमा करके इंटीजर डिफाइन कर सकते हो, कंसीडर कर लेता है। लेकिन हाँ अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट है तो आपको अलग अलग डिफाइन करना होगा। वो सर एक में भी वो यही कह रहा है कि अगर इंटीजर भी कर रहे हो तो भी अलग अलग ही करो। जैसे मैं इसके साथ डिम आर कॉमा के एल करता हूँ, तो के एल को वो एज अ वेरिएंट ले लेगा, इंटीजर नहीं लेगा। हो सकता है, मुझे देखना पड़ेगा। तो अलग अलग कर दीजिए, अगर सजेशन दे रहा है तो अलग अलग कीजिए। हाँ सर, मतलब यही है कि वो कोई ओल्डर वर्जन के अकॉर्डिंगली तो नहीं है वो चीज़, मतलब न्यूअर वर्जन में अलाउ किया हो। मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है? इतना डिटेल में बुक नहीं पढ़ी थी, मैं देख हाँ जी, हाँ जी, ठीक कराता हूँ, ठीक ठीक है, हाँ जी, है? और बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स की, ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ वेरिएबल, मान डेटा टाइप तो नहीं बोलेंगे, ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ वेरिएबल। मतलब क्या हुआ कि आप अपने ऑब्जेक्ट को भी स्टोर कर सकते हो किसी रेंज पे, स्टोर नहीं मतलब कि असाइन कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया डिम आर एज ए रेंज, तो अब क्या होगा कि हम करेंगे सेट आर इक्वल टू रेंज ए D1 से D2 से D2 से D10, राइट सर? अब मुझे जहां भी इसकी जरूरत पड़ेगी वहां पे हम R इस्तेमाल करेंगे। जैसे मुझे अगर सम निकालना है तो मैं एक वेरिएबल और ले लेता हूँ, डिम एस एज हमने ले लिया लॉन्ग, तो यहाँ पे करेंगे हम एस इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट सम, और सम में हम देंगे आर, समझे? तो आपने क्या किया कि एक रेंज डिफाइन कर लिया और उस रेंज को यहाँ पे हमने यहाँ पे जैसे माना है कि रेंज है, और फिर इस रेंज को हमने एक कोई एक्सेल वर्कशीट का रेंज असाइन कर दिया। तो सर ऑब्जेक्ट टाइप में हमें ये सेट कमांड लिखनी जरूरी है? क्योंकि ये स्टोर नहीं होता है सर, ये असाइन होता है। जैसे कि आप जमीन की रजिस्ट्री करवाते हैं तो जमीन खरीदते थोड़े हैं, जमीन बिकती तो नहीं है, जमीन ट्रांसफर होती है। आप थोड़ी कि आपने एक प्लॉट खरीदा उठा के घर ले आए, आप प्लॉट तो जहां के तहां रहता है, मालिकाना हक जो है वो ट्रांसफर हो जाती है क्या? हाँ जी, हाँ सेम उसी तरह से यहाँ पे रेज तो वही है, हमने असाइन कर दिया इसको कि भाई का आज से रेंज D2 से D10 आर माना जाएगा। सर, ये था ऑब्जेक्ट टाइप वेरिएबल, लेकिन जो हमने अभी कल की क्लास में पढ़ा वो उस को क्या बोलते हैं, मतलब मैं कहीं मिस कर डेटा रहा हूँ। टाइप, डेटा क्या टाइप? टाइप, ये ऑब्जेक्ट टाइप वेरिएबल है। ओके okay. डेटा टाइप में क्या होता है कि हम वैल्यू को स्टोर करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ की वैल्यू को स्टोर करते हैं। और ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने लिख देंगे डिम डब्ल्यू एज ए वर्क बुक, ठीक है? फिर आप करेंगे सेट डब्ल्यू इक्वल टू एक्टिव वर्क बुक, और एक्टिव वर्क बुक जहां चाहिए आप डब्ल्यू दे सकते हैं कि डब्ल्यू डॉट सेव एज, देख लिया आपको सेव एज आ गया। जैसे आप डब्ल्यू दबा डब्ल्यू को मैंने प्रेस किया, वर्कबुक पे होने वाले सारे इवेंट यहाँ पे आ गए। ठीक है सर? हाँ जी।
उसी तरह से आप ये कर सकते हो कि डिम डिम एस एज ए वर्कशीट, और सेट एस इक्वल टू शीट्स डेटा, ठीक है। ऐसे आप क्या बोल रहे हैं, डाटा की जगह में एक्टिव वर्कशीट भी कर सकते हैं, या वो तो इसके आगे आप कुछ भी असाइन कर सकते हैं। उधर से उसी तरह से आप आगे चलके बताऊंगा डिम सी एज ए चार्ट, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सेट सी इक्वल टू एक्टिव चार्ट, या फिर जो चार्ट का नाम होगा वो भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज इसमें है। तो एक तो हुआ कि आप ऑब्जेक्ट को असाइन कर सकते हो, जो प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। दूसरा पार्ट आता है एक्शन भी आप असाइन कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहां पे लिख दिया कि यहां पे कि सेट पी एस इक्वल टू यहां पे शीट्स डॉट एड। अब मैं यहां पे लिखता हूं कि विथ सी एस डॉट नेम इक्वल टू डेटा वन डॉट मूव इक्वल टू डॉट मूव, मूव में ये देना पड़ेगा ना आपको शीट्स Yes, sir. Set create workbook equal to workbook dot create dot add. Yeah. डब्ल्यू सी डब्ल्यू सेट यहाँ पे विथ 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 सी डब्ल्यू डॉट सेव एज। सर ये विथ क्यों लगा रहे हो? विथ इसलिए लगा रहे हैं कि बगैर विथ के भी कर सकते हैं। बगैर विथ क्या होगा ये आगे मैं आपको पढ़ाता, लेकिन अभी बता दिया मैंने। बीस नहीं लगाएंगे तो मुझे सबके आगे सीरीज लगाना होगा इसे, ओके ओके, ठीक है ना। तो हम एक जगह बीस डाल दिए, आपको लगाने की जरूरत नहीं, मतलब कि आपको एक ही ऑब्जेक्ट पे कई सारे एक्शन करने। तो बीस के साथ ऊपर ऑब्जेक्ट का लिख दो, लेकिन नीचे डॉट अपना सिर्फ ये लिख दीजिए, एक्शन लिख दीजिए, एंड हर लाइन में आपको ऑब्जेक्ट लाइन देने की जरूरत होगी। जैसे मान लीजिए ना कि अभी इसको मैं होल्ड करता हूं, आगे बढ़ता हूं। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे रेंज है, और रेंज ए वन से लेके सी ट्वेंटी है डॉट एंड डॉट सॉरी डॉट, मुझे इस पे फॉन्ट अप्लाई करना है, तो फॉन्ट में डॉट फॉन्ट का नेम होना चाहिए एरिया, ठीक है। अब मुझे फिर फॉन्ट की साइज करनी है, तो फिर मैं इसी को कॉपी करूंगा, इसी को लिखूंगा दोबारा, और यहाँ पे डॉट डॉट साइज लिखूंगा, फिर यहाँ पे साइज दूंगा, फिर मैं यहाँ पे करता हूँ। फिर साइज के बाद मैं इसका कलर कलर में वीवी रेड करना है करूंगा, फिर मुझे इसको बोल्ड भी करना है, डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू, फिर मुझे डॉट इटैलिक भी करना है, डॉट इटैलिक इक्वल टू ट्रू। तो मुझे ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट करने हैं, तो इसको सिंपली क्या करूंगा मैं, विथ कमांड दूंगा, विथ रेंज ए से 20 डॉट फॉन्ट। अब यहां पे देखिए क्या होगा, यहां पे दूंगा मैं नेम,
इक्वल टू एरिया, होगा डॉट साइज इक्वल टू 2l, डॉट कलर वीवी रेड, डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू, समझ गए। और यहां पे लास्ट में जब खत्म हो जाए आपका तो एड बीट कर दीजिए। इससे क्या हुआ कि बार बार इतना पार्ट जो लिखने से बच गए ना, तबियत इसके लिए यूज होता है। तो मैं बता रहा था आपको कि आप जो है सिर्फ यही नहीं, एक एक्शन को भी डिजाइन कर सकते, वर्कबुक एड भी डिजाइन कर सकते हैं, जैसे पिवट टेबल हुआ, चार्ट्स हुए, इस चीजें भी आप असाइन कर सकते हैं, एक काम को भी असाइन कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे बस डिक्लेयर करना सिखा देता हूँ ताकि आपको आगे याद रहेगा। राइट सर? सर एक चीज पूछना था, ये आपने जो सेट r इक्वल टू रेंज दिया हुआ है सर, ऊपर ऊपर बता रहे थे, तो वो रेंज तो फिक्स हो गया ना सर? अगर डायनेमिक करना है, मान लीजिए कोई दूसरे कॉलम का सम करना है, तो क्या वहाँ पे सिलेक्शन लिख सकते? हाँ, सिलेक्शन मेथड वाला पार्ट जो है ना वो अप्लाई कर दीजिए, मतलब सेट r इक्वल टू सिलेक्शन, तो आप जिस कॉलम का और जितने भी रो का सम चाहते वो ऑटोमेटिक डायनेमिक हो जाएगा। हाँ, करके देखिएगा, डाउट होगा तो पूछिएगा। सर कैसे कैसे सर एक बार कैसे? जैसे कि ये चाहते हैं कि मैं मेरा जो सिलेक्टेड एरिया है ओ आर हो जाए, तो मुझे वो एरिया सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा। हाँ, पहले हाँ। ओके ठीक है, आपको सिलेक्शन मेथड याद है? आपको जो कहा मैंने रेंज की क्लास में सिलेक्शन मेथड की क्लासेस दी थी कि डेटा को डायनेमिक डेटा को कैसे सिलेक्ट करेंगे आप, हाँ जी हाँ जी, मेथड यहाँ अप्लाई कर सकते हैं आप। ओके 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 ठीक है चलिए, मैं आगे बताऊंगा। अभी मैं तो जैसे डिफाइन करना सिखा रहा हूँ सर, डिफाइन करना और असाइन करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास एरे की। अब ये देखिए यहाँ भी एरे है, एरे आपका जान नहीं छोड़ रहा है ना जी, इसलिए आपने दिया डिम आर एज ए मुझे दोनों रखने, समझ गए, मैं 50 भी रखना है और 60 भी रखना है, तो मैं यहाँ पे एरे डिफाइन करेंगे। मैं यहां लिखूंगा 1 to 2 और यहां पे आर 50 हो जाएगा, आर 2 60 हो जाएगा, समझ गए। तो एरे जब डिफाइन करना हो, आप मान लीजिए कि आपको एक ही एरे में दिखाना रखेगा कि एक ही कास्ट के, मतलब एक ही टाइप के आपको कई सारे डेटाबेस डिजाइन करने हैं। तो जब मान लीजिए ना आपको किसी से 12 महीने का इनपुट लेना है कि जैन का फैब का मार्च ऐसे 12 महीने का इनपुट लेना है, तो 12 बार डेटा डालेगा, तो 12 बार डेटा को कहां साइन रखेंगे, स्टोर करेंगे? अब 12 अलग अलग वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना सर। मान लीजिए अगर मैं ए ना करता तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे करना पड़ता कि डिम के एज ए इंटीजर, डिम पी एज ए इंटीजर, क्या, और फिर मुझे यहां पे करना पड़ता कि k इक्वल टू 50 एंड p इक्वल टू 60, और ये डायनेमिक नहीं होता। कल के डेट में मान लीजिए ना कि आपको एक डेट एक एरिया से, मान लीजिए जितने भी d कॉलन है आपके, d कॉलन से आपको डेटा उठाना है जिसमें 1782 डेटा है इसके अंदर, राइट। तो मैं यहां पे करूंगा कि डिम D और यहां पे कर दूंगा 2 to 1782, राइट, एज ए इंटीजर। अब फिर मैं यहां पे लूप लगा दूंगा कि 4
आई इक्वल टू चले 2 से 1782, और यहां पे कर दूंगा मैं कि डी के साथ आई को कंबाइन कर दिया और इक्वल टू हमने कर दिया रेंज कॉलम डी और इसके साथ हमने आई डिफाइन करके डॉट वैल्यू कर दिया। और नेक्स्ट, ठीक है सर, तो एक ही बार में सारी वैल्यू हमारी डी में स्टोर हो जाएगी। सर हमने आई को कहीं डिफाइन नहीं किया, आई इसको बताया था किया है ना, आई डिफाइन नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वेरिएंट हो जाता है, वेरिएंट ले लेगा तो। पर अगर जैसे मैं इसको भी इंटीजर डिफाइन कर सकता हूं, प्रॉब्लम नहीं कर सकते, पर इंटीजर डिफाइन कर देंगे तो फिर लूप आपका 32,000 से ऊपर नहीं चलेगा। 32,000 से ओके, इसलिए इसको हम डिफाइन नहीं करते। बट सर ये चीज करके रही है फॉर आई इज इक्वल टू 2 टू 1 1782, तो इसके बाद इस कोड को 1782 बार रिपीट कर रहा है। ओके, ठीक है ना, और हर बार उसका आई चेंज होता है तो हर बार पहली बार वो D1 में D1 का डाटा डालेगा, फिर D2 में D2 का डाटा डालेगा, D3 में D3 का डाटा डालेगा, ऐसे 1782 डेटा इसमें स्टोर कर देगा। और ये समझ में आएगा जब आपको हम पढ़ाएंगे लिस्ट बॉक्स, समझे, तो एक पूरी की पूरी एक्सेल शीट की डेटा को लिस्ट बॉक्स को डालने के लिए हम वेरिएबल इसका इस्तेमाल करते हैं एरे का। और एरे में ये हो गया, ये आप इसको बोलते हैं सिंगल डायमेंशन, दो एरे होते हैं ऐसे तो इसमें VV6 और बाकी डॉट नेट में 3 एरे होते हैं, सिंगल डायमेंशन, डबल डायमेंशन एंड मल्टी डायमेंशन एरे। बट VVM में होता है सिंगल डायमेंशन एंड मल्टी डायमेंशन। सिंगल डायमेंशन का मतलब क्या हुआ कि अभी इसमें सिर्फ एक कॉलन है, कई सारे रो है लेकिन कॉलन हमारा एक है, समझ गए, या एक ये आपका इसका नाम हो गया डी और ये एक से लेके 1782 तक का टेबल क्रिएट किया हुआ है, समझ गए। तो ऐसे मामले 2 से स्टार्ट है, यहाँ पे 2 दिया हुआ, 2 ये हो गया 3, ये हो गया 4, 5, 6, 7, इस तरह से बढ़ाते तक चला हुआ। अगर आपको इसमें कॉलर भी चाहिए, मैं चाहता हूं कि इसमें कॉलर भी चाहिए, तो मैं यही पे एरे में कर दूंगा कि 1 से 2 रो एंड 1 to 5 कॉलर। तो मुझे यहाँ पे 1, सेल्स के साथ अप्लाई करते थे उस तरह से अप्लाई करना पड़ेगा, 1, 1 डॉट रेंज, यहाँ पे 1, 2, 1 60। तो एक हमने यहाँ पे वर्कशीट डिफाइन कर लिया जिसमें 5 कॉलर एंड 2 रो है, तो ये एरे का। सर कॉलम 2 है तो वहां पे 2, 2 आएगा ना, नहीं कॉलम एक ही है, एक कॉलम में कई 2 रो है ना, मतलब ये सुनिए इसने क्या किया, ये था इसने क्या किया, एक 2 रो और 5 कॉलम डिफाइन कर लिया, समझ गए, मतलब रो फिक्स है 5 कॉलम जाना है। हाँ, तो अगर हम लिखा हुआ है कि D1, 1 तो मतलब कि इसने इस पे रिजल्ट डाला, D2, 1 तो मतलब कि इसने इस पे रिजल्ट डाला, मैंने लिखा D1, 2 मतलब कि सेल अगर D में हमने दे दिया यहाँ पे 1, 2 मतलब ये जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे पहली रो दूसरा कॉलम, हाँ D2 यहाँ पे 2, 2 मतलब कि दूसरा रो एंड दूसरा कॉलम, हाँ सर मैं यही कह रहा हूँ 2, 2 हाँ तो यहाँ आएगा ना 2, 2 में यहाँ आएगा, अब मुझे यहाँ डालना है तो 1, 2 ही होगा ना, चलिए 2, 1 ही होगा ना, ओके, मुझे यहाँ डालना है तो 1, 2 होगा, यहाँ डालना है तो 1, 5 होगा। इसके बारे में हम आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे, राइट सर,
और लास्ट जो आता है आज के टॉपिक का लास्ट पार्ट है वो है ग्लोबल ब्रेवर। ग्लोबल ब्रेवर के बारे में समझिए क्या करता है, मैं इसको रीड करता हूँ। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैंने एक मैक्रो लिया है यहाँ पे राइट, हमें ये आर इक्वल टू 50 राइट सर, और फिर यहाँ पे किया सम पीपी, और मैं यहाँ पे आर इक्वल टू आर प्लस 20 कर दूंगा, तो एम एस जी बॉक्स के अंदर में आर कितना होगा सर? आशीष जी आर की वैल्यू कितनी होगी? सर आर की वैल्यू क्या होगी? 50 प्लस ऊपर 70 हो जाएगी, 70 हो जाएगी ना? कैसे हो जाएगी 70? याद रखिएगा कि कोई भी एक वेरिएबल एक सब्जेक्ट में काम करता है और दूसरे सब्जेक्ट में कंसीडर नहीं होता है, यहाँ पे भी 20 ही होगा क्योंकि आर जीरो हो जाएगा यहाँ पे, ये ऊपर की वैल्यू को नीचे कैरी नहीं करेगा, बात समझे? ये इसका आप, इसका आपने अगर मान लीजिए डिफाइन किया नहीं किया बात अलग है, आर एज अगर मैंने अगर डबल ले लिया हुआ है और यहाँ भी मैं आर इक्वल टू डबल डबल ले लू जी, तो दोनों अलग अलग है, दोनों डिफाइन करे या नहीं करे बात अलग है, लेकिन दो सब्जेक्ट मतलब कि दो अलग अलग है, इसमें का उसमें नहीं जाएगा, उसमें का इसमें नहीं आएगा, तो मतलब रन करने में एक्सेल को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी? हाँ एक्सेल को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि वो क्या करेगा पता है, वो क्या करेगा, वो लिखेगा मॉड्यूल 3KK.R मॉड्यूल 3PP.PP.R ओके, सब्जेक्ट भी अलग अलग है ना सर? हाँ सब्जेक्ट अलग अलग है ना, लेकिन कभी कभी क्या होती है हमें रिक्वायरमेंट पड़ जाती है कि भाई एक मैक्रो चलेगा उसमें जो कैलकुलेशन होगी उस कैलकुलेशन के बिहाफ पे दूसरा मैक्रो का अंदर में कंसिडर किया जाएगा। क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने आपने एक रिपोर्ट बनाया हुआ है उसमें आपने 5 मैक्रो लगा रखा है और एक डेटा कैलकुलेट होता है, कैलकुलेट होने के बाद फिर दूसरा डेटा कैलकुलेट होता है, दूसरा मैक्रो चलता है और दूसरा डेटा कैलकुलेट करता है, तो दूसरे डेटा जो कैलकुलेट करता है वो पहले डेटा के कैलकुलेशन के बिहाफ पे करता है, तो जनरली क्या करना पड़ेगा कि आपको आर की वैल्यू को कहीं वर्कशीट पे होल्ड करवाना पड़ेगा, वर्कशीट वीवीए के अंदर होल्ड नहीं कर सकते आप। सर एक चीज का कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब पहला मैक्रो का रिजल्ट दूसरे मैक्रो में जाता है तो वो दूसरा मैक्रो कॉल फंक्शन से उस मैक्रो को कॉल कर रहा है? कॉल मतलब... नहीं कर पाएगा, मैंने बोला कि दूसरे मैक्रो के ऊपर वेरिएबल्स पे जो रिजल्ट अप्लाई हुआ है वो कॉल नहीं कर पाएगा, मुझे इसकी रिजल्ट को एक्सेल रेंज पे एक्सेल सीट पे कहीं डलवाना पड़ेगा, फिर वहां से इसको कॉल करना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहां डालूंगा कि रेंज यहां पे देखिए d1.value इक्वल टू r, और फिर मैं यहां पे लिखूंगा कि r इक्वल टू रेंज d1.value, समझ गए? तो यहां से करवाना पड़ेगा रेंज देने के लिए, लेकिन अगर आप ग्लोबल वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं तो नहीं करना पड़ेगा। ग्लोबल वेरिएबल कैसे इस्तेमाल होगा? सबसे पहले आप बिना किसी सब्जेक्ट के वेरिएबल को डिफाइन करो कि आप एज ए हमने कर दिया इंटीजर, अब ये आर इसको भी कंसीडर कर रहा है और इसको भी कंसीडर कर रहा है, अगर मैं इसको रन कर दिया और यहां पर देखिए इसको रन किया और फिर जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पहले इससे पहले 20 आया था, अब देखिए 50 + 20 70 आएगा, आ गया। तो जब तक फाइल अभी चल गया ना, अगर मैं तीसरा यहाँ करता हूँ सब यहाँ पे डाला कि आर इक्वल टू आर प्लस 30 और एम एस जी बॉक्स, अब क्या आएगा 100 आएगा, तो
सर ये डिफाइन अभी डिफाइन हुआ इसलिए ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। तो आपको लगता है शुरू से ही रन करना पड़ेगा? हाँ, पहले शुरू से रन करना पड़ेगा। 20 आ गया, अब मैं इस पे रन करता हूँ। 100 आया, समझ गए? सर थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, मतलब कि अगर आप मतलब एक वेरिएबल को कई सारे में यूज करना चाहते हो तो आपको ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब कि किसी भी सब्जेक्ट से बाहर बनना पड़ेगा। एक वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल एक रूल में काम करता है, दूसरे रूल में काम नहीं करता है, याद रखिएगा। तो ये चीजें जो आज की चीजें बताई उसमें मोस्टली चीजें हमारी आगे की पढ़ाई है, लेकिन मैंने अभी बताया था कि आगे आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है? तो ये सारे जो ट्रिक्स मैंने बताए हम आगे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आगे हम आपको इसका यूज बताएंगे, न कि डिक्लेरेशन और इसका साइंटिफिक इसका जो पीछे का जो थ्योरिकल पार्ट है। तो आप लोग एक बार ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा, और कल से हम बैक टू रेंज, हम रेंज की तरफ बैक होंगे और रेंज में कंडीशन जो भी पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे और वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे। और स्टिल मैं दोबारा बोलता हूँ कि आप लोगों ने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस विद वेरिएबल्स का एग्जांपल नहीं दिया है, दूसरा एग्जांपल बना के भेजिए। लूपिंग वगैरह भी कराई नहीं ना, वो बाद में होगी ना? बाद में वेरिएबल्स पढ़ेंगे तभी तो लूप पढ़ेंगे, ठीक है? थैंक यू।